शांति। 26 मार्च 2023 के अव्यक्त बाप दादा के महावाक्य। ओरिजिनल डेट 1 फरवरी 1994। मुरली का सार। त्रिकालदर्शी स्थिति के श्रेष्ठ आसन द्वारा सदा विजयी बनो और दूसरों को शक्ति का सहयोग दो। आज त्रिकालदर्शी बाप दादा अपने सर्व मास्टर त्रिकालदर्शी बच्चों को देख रहे हैं। त्रिकालदर्शी बनने का साधन बाप दादा ने हर बच्चे को दिव्य बुद्धि का वरदान व ब्राह्मण जन्म की विशेष सौगात दी है, क्योंकि दिव्य बुद्धि द्वारा ही बाप को, अपने आप को और तीनों कालों को स्पष्ट जान सकते हो। दिव्य बुद्धि तथा याद द्वारा ही सर्व शक्तियों को धारण कर सकते हो। इसलिए पहला वरदान दिव्य बुद्धि है। यह वरदान बाप दादा ने सर्व बच्चों को दिया है, लेकिन इस वरदान को प्रत्यक्ष जीवन में नंबरवार कार्य में लगाते हो, दिव्य बुद्धि त्रिकालदर्शी स्थिति का अनुभव कराती है। चारों ही सब्जेक्ट धारण करने का आधार दिव्य बुद्धि है। चारों ही सब्जेक्ट को सभी बच्चे अच्छी तरह से जानते हैं, वर्णन भी करते हैं, लेकिन जानना, वर्णन करना ये सभी को आता है, चाहे नए हैं चाहे पुराने हैं, इसमें सभी होशियार हैं, लेकिन धारण करना इसमें नंबर बन जाते हैं। दिव्य बुद्धि की विशेषताएं। दिव्य बुद्धि वाली आत्माएं कोई भी संकल्प को कर्म व वाणी में लाने समय हर बोल और हर कर्म को तीनों काल से जानकर फिर प्रैक्टिकल में आती हैं। साधारण बुद्धि वाली आत्माएं बहुत करके वर्तमान को स्पष्ट जानती हैं, लेकिन भविष्य और भूतकाल को स्पष्ट नहीं जानती। दिव्य बुद्धि वाली आत्मा को पास्ट और फ्यूचर भी इतना ही स्पष्ट होता है जैसे प्रेजेंट स्पष्ट है। तीनों ही काल साथ साथ स्पष्ट अनुभव होता है। वैसे सभी कहते भी हैं कि जो सोचो, जो करो, जो बोलो, आगे पीछे की सोच समझ करके करो। कर्म के पहले परिणाम को सामने रखो। परिणाम हुआ भविष्य, तो नंबर वन है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी बुद्धि कभी असफलता का अनुभव नहीं करेगी। लेकिन बच्चों में तीन प्रकार की बुद्धि वाले हैं। पहला नंबर सुनाया, सदा त्रिकालदर्शी बुद्धि। दूसरा नंबर, कभी त्रिकालदर्शी और कभी एक कालदर्शी। तीसरा नंबर, अलबेली बुद्धि, जो सदा वर्तमान को देखते, सदा यही सोचते कि जो अभी हो रहा है या मिल रहा है व चल रहा है, इसमें ठीक रहें, भविष्य क्या होगा, इसको क्या सोचें। लेकिन अलबेली बुद्धि आदि मध्य अंत को न सोचने के कारण सदा सफलता प्राप्त करने में धोखा खा लेती है। तो बनना है त्रिकालदर्शी बुद्धि। त्रिकालदर्शी स्थिति ऐसा श्रेष्ठ आसन है जिस आसन अर्थात स्थिति द्वारा स्वयं भी सदा विजयी और दूसरों को भी विजयी बनने की शक्ति व सहयोग देने वाले हैं। दिव्य बुद्धि विशाल बुद्धि है। दिव्य बुद्धि बेहद की बुद्धि है। तो चेक करो कि स्वयं की बुद्धि किस नंबर की बनाई है। बाप दादा ने बच्चों के रिजल्ट में देखा कि ज्ञान, गुण, शक्तियों का खजाना जमा सभी बच्चों के पास है, लेकिन जमा होते भी नंबरवार क्यों है? ऐसा कोई भी नहीं दिखाई दिया जिसके पास खजाने जमा नहीं हो। सभी के पास जमा है ना, फिर नंबरवार क्यों? अगर किसी से भी पूछेंगे, स्वयं का ज्ञान है, बाप का ज्ञान है, चक्र का ज्ञान है, कर्मों के गति का ज्ञान है, सभी के पास शक्तियां हैं कि कोई है कोई नहीं है? ज्ञान में सभी ने हाँ किया और शक्तियों में हाँ क्यों नहीं किया? अच्छा, सभी गुण हैं, सर्व गुण बुद्धि में हैं, बुद्धि में ज्ञान भी है, शक्तियां भी हैं, फिर नंबरवार क्यों? फर्क क्या होता है?
खजाने को विधि पूर्वक कार्य में लगाना नहीं आता है। समय बीत जाता है, फिर सोचते हैं कि ऐसे करते थे, इस विधि से चलते थे तो सिद्धि मिल जाती थी। तो समय को जानना और समय प्रमाण शक्ति व गुण व ज्ञान को कार्य में लगाना, इसके लिए दिव्य बुद्धि की विशेषता आवश्यक है। वैसे ज्ञान की पॉइंट्स बहुत सोचते रहते हैं, सुनाते भी रहते हैं, कॉपियों में भी भरी हुई रहती हैं। सबके पास कितनी डायरियां इकट्ठी हुई होंगी, काफी स्टॉक हो गया है ना। तो जैसे बाप के लिए गाया हुआ है कि मैं जो हूँ जैसा हूँ, वैसे मुझे जानने वाले कोटों में कोई है। जानते तो सभी हैं, लेकिन अंडरलाइन है जो हूँ जैसा हूँ, उसमें अंतर पड़ जाता है। इस रीति जैसा समय और जो ज्ञान की पॉइंट या गुण या शक्ति आवश्यक है, वैसा कार्य में लगाना, इसमें अंतर पड़ जाता है और इसी अंतर के कारण नंबर बन जाते हैं। तो कारण समझा? एक तो समय प्रमाण विधि का अंतर पड़ जाता है, दूसरा कोई भी कर्म व संकल्प त्रिकालदर्शी बन नहीं करते, इसलिए नंबर बन जाते हैं। कोई भी संकल्प बुद्धि में आता है तो संकल्प है बीज, वाचा और कर्मणा बीज का विस्तार है। अगर संकल्प अर्थात बीज को त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर चेक करो, शक्तिशाली बनाओ, तो वाणी और कर्म में स्वतः ही सहज सफलता है ही है। संकल्प को चेक नहीं करते अर्थात बीज शक्तिशाली नहीं होता, तो वाणी और कर्म में भी सिद्धि की शक्ति नहीं रहती। लक्ष्य सभी का सिद्धि स्वरूप बनने का है ना, तो सदा सिद्धि स्वरूप बनने की विधि जो सुनाई, उसको चेक करो। बीच बीच में बुद्धि अलबेली बन जाती है, इसलिए कभी सिद्धि अनुभव करते और कभी मेहनत अनुभव करते। बाप दादा का सभी बच्चों से प्यार की निशानी है कि सब बच्चे सदा सहज सिद्धि स्वरूप बन जाएं। आपके जड़ चित्रों द्वारा भक्त आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं, तो चैतन्य में सिद्धि स्वरूप बने हो तब तो जड़ चित्रों द्वारा भी और आत्माएं सिद्धि प्राप्त करती रहती हैं। जो त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित रहते हैं, तो त्रिकालदर्शी स्थिति समर्थ स्थिति है। इस समर्थ स्थिति वाले व्यर्थ को ऐसा सहज समाप्त कर देते हैं जो स्वप्न मात्र भी व्यर्थ समाप्त हो जाता है। अगर त्रिकालदर्शी बुद्धि द्वारा कर्म नहीं करते हैं, तो व्यर्थ का बोझ बार बार ऊंचे नंबर में अधिकारी बनने नहीं देता। तो दिव्य बुद्धि का वरदान सदा हर समय कार्य में लगाओ। बाप दादा ने पहले भी इशारा दिया है कि ज्ञानी योगी आत्माएं बने हो, अब ज्ञान और योग के शक्ति को प्रयोग में लाने वाले प्रयोगशाली आत्माएं बनो। जैसे साइंस की शक्ति का प्रयोग दिखाई देता है ना, लेकिन साइंस की शक्ति के प्रयोग का भी मूल आधार क्या है? आज जो भी साइंस ने प्रयोग कर साधन दिए हैं, उन सब साधनों का आधार क्या है? साइंस के प्रयोग का आधार क्या है? मजॉरिटी देखेंगे लाइट है, लाइट द्वारा ही प्रयोग होता है। अगर कंप्यूटर भी चलता है तो किसके आधार से? कंप्यूटर माइट है, लेकिन आधार लाइट है ना। तो आपके साइलेंस की शक्ति का भी आधार क्या है? लाइट है ना। जब वे प्रकृति की लाइट द्वारा एक लाइट अनेक प्रकार के प्रयोग प्रैक्टिकल में करके दिखाती है, तो आपकी विनाशी परमात्म लाइट, आत्मिक लाइट और साथ साथ प्रैक्टिकल स्थिति लाइट, तो उससे क्या नहीं प्रयोग हो सकता? आपके पास स्थिति भी लाइट है और मूल स्वरूप भी लाइट है। जब भी कोई प्रयोग करना चाहते हो, तो पहले अपने मूल आधार को चेक करो। जैसे कोई भी साइंस के साधन को यूज करेंगे, तो पहले चेक करेंगे ना
कि लाइट है या नहीं है, ऐसे जब योग का, शक्तियों का, गुणों का प्रयोग करते हो, तो पहले यह चेक करो कि मूल आधार आत्मिक शक्ति, परमात्मा शक्ति व लाइट अर्थात हल्की स्थिति है। अगर स्थिति और स्वरूप डबल लाइट है तो प्रयोग की सफलता बहुत सहज कर सकते हो। और सबसे पहले इस अभ्यास को शक्तिशाली बनाने के लिए पहले अपने पर प्रयोग करके देखो। हर मास व हर 15 दिन के लिए कोई न कोई विशेष गुण व कोई न कोई विशेष शक्ति का स्व प्रति प्रयोग करके देखो, क्योंकि संगठन में व संबंध संपर्क में पेपर तो आते ही हैं, तो पहले अपने ऊपर प्रयोग में चेक करो। कोई भी पेपर आया लेकिन जो शक्ति व जो गुण का प्रयोग करने का लक्ष्य रखा उसमें कहाँ तक सफलता मिली और कितने समय में सफलता मिली। जैसे साइंस का प्रयोग दिन प्रतिदिन थोड़े समय में प्रत्यक्ष रूप का अनुभव कराने में आगे बढ़ रहा है, तो समय भी कम करते जाते हैं, थोड़े समय में सफलता ज्यादा। ये साइंस वालों का भी लक्ष्य है। ऐसे जो भी लक्ष्य रखा उसमें समय को भी चेक करो और सफलता को भी चेक करो। जब स्व के प्रति प्रयोग में सफल हो जाएंगे तो दूसरी आत्माओं के प्रति प्रयोग करना सहज हो जाएगा, और जब स्व के प्रति सफलता अनुभव करेंगे तो आपके दिल में औरों के प्रति प्रयोग करने का उमंग उत्साह स्वतः ही बढ़ता जाएगा। अन्य आत्माओं के संबंध संपर्क में स्व के प्रयोग द्वारा उन आत्माओं को भी आपके प्रयोग का प्रभाव स्वतः ही बढ़ता रहेगा। जैसे एक दृष्टांत सामने रखो कि मुझे सहन शक्ति का प्रयोग करना है, तो जब स्वयं में सहन शक्ति का प्रयोग करेंगे तो जो दूसरी आत्माएं आपकी सहन शक्ति को हिलाने के निमित्त हैं, वो भी बच जाएंगी ना, उनका भी तो किनारा हो जाएगा। और जैसे छोटे छोटे संगठन में रहते हो, सेंटर्स हैं, तो सेंटर्स पर छोटे संगठन है ना, तो पहले स्व के प्रति ट्रायल करो, फिर अपने छोटे संगठन में ट्रायल करो। संगठन रूप में कोई भी गुण व शक्ति के प्रयोग का प्रोग्राम बनाओ, उससे क्या होगा, संगठन की शक्ति से उसी गुण व शक्ति का वायुमंडल बन जाएगा, वाइब्रेशन फैलेगा और वायुमंडल व वाइब्रेशन का प्रभाव अनेक आत्माओं के ऊपर पड़ता ही है। तो ऐसे प्रयोगशाली आत्माएं बनो। पहले स्वयं में संतुष्टता का अनुभव करो, फिर औरों में सहज हो जाएगा, क्योंकि विधि आ जाएगी। जैसे साइंस के कोई भी साधन को पहले सैंपल के रूप में प्रयोग करते हैं, फिर विशाल रूप में प्रयोग करते हैं, ऐसे आप पहले स्वयं को सैंपल के रीति से यूज करो। जितना ये प्रयोग करने की रुचि बढ़ती जाएगी, बुद्धि मन इसमें बिजी रहेगा, तो छोटी छोटी बातों में जो समय लगाते हो, शक्तियां लगाते हो, उनकी बचत हो जाएगी। सहज ही अंतर्मुखता की स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करेगी, क्योंकि कोई भी चीज का प्रयोग और प्रयोग की सफलता स्वतः ही और सब तरफ से किनारा करा देती है। ये प्रयोग तो सभी कर सकते हो ना, कि मुश्किल है। इस वर्ष प्रयोगशाली आत्माएं बनो। समझा क्या करना है? और हर एक स्वयं के प्रति प्रयोग में लग जाएंगे तो प्रयोगशाली आत्माओं का संगठन कितना पावरफुल बन जाएगा। वह संगठन की किरणें अर्थात वाइब्रेशंस बहुत कार्य करके दिखाएंगी। इसमें सिर्फ दृढ़ता चाहिए, मुझे करना ही है। दूसरों के अलबेलेपन का प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए, आपकी दृढ़ता का प्रभाव औरों पर पड़ना चाहिए, क्योंकि दृढ़ता की शक्ति श्रेष्ठ है या अलबेलेपन की शक्ति श्रेष्ठ है, बाप दादा का वरदान है। जहां दृढ़ता है वहां सफलता है ही, तो क्या बनेंगे
प्रयोगशाली त्रिकालदर्शी आसनधारी, और तीसरा क्या करेंगे? जैसा समय वैसी विधि से सिद्धि स्वरूप। तो वर्ष का यह होमवर्क है, यह होमवर्क स्वतः ही बाप के समीप लाएगा। जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, कोई भी कर्म करने के पहले आदि मध्य अंत को सोच समझ कर्म किया और कराया। अलबेलापन नहीं कि जैसा हुआ ठीक है, चलो चलाना ही है, नहीं तो फॉलो ब्रह्मा बाप। फॉलो करना तो सहज है ना, कॉपी करना है ना, कॉपी करने का अक्ल है ना। अच्छा, ये ग्रुप चांस लेने वाला ग्रुप है, एक्स्ट्रा लॉटरी मिली है। जो अचानक लॉटरी मिलती है तो उसकी खुशी ज्यादा ही होती है। तो ये लकी ग्रुप हुआ ना, चांस लेने वाला लकी ग्रुप। दूसरे सोचते रहते कब जाएंगे और आप पहुंच गए। अब डबल विदेशियों का टर्न शुरू होने वाला है। भारतवासियों ने अपनी लॉटरी ले ली। चारों ओर के डबल विदेशी बच्चों ने जो रिट्रीट का प्रोग्राम बनाया है उसमें मेहनत अच्छी की। विशेष निमित्त आत्माओं को समीप लाने की विधि अच्छी है, और जितना हिम्मत रख आगे बढ़ते रहे हैं उतनी सफलता हर वर्ष श्रेष्ठ से श्रेष्ठ मिलती रही है। ऐसा अनुभव होता है ना, कोई समय था जो निमित्त विशेष आत्माओं से संपर्क करना भी मुश्किल लगता था, और अभी क्या लगता है? जितना सोचते हो उससे और ही ज्यादा आते हैं ना, तो ये हिम्मत का प्रत्यक्ष फल है। भारत में भी संपर्क बढ़ता जाता है। पहले आप निमंत्रण देने की मेहनत करते थे और अभी स्वयं आने की ऑफर करते हैं। फर्क पड़ गया है ना। वो कहते हैं हम चलें और आप कहते हो नंबर नहीं है। ये है हिम्मते बच्चे मदते बाप का प्रत्यक्ष स्वरूप। अच्छा, चारों ओर के मास्टर त्रिकालदर्शी आत्माओं को सदा समय के महत्व को जानने और समय प्रमाण खजाने को कार्य में लगाने वाले दिव्य बुद्धिवान आत्माओं को सदा अंतर्मुखता की प्रयोगशाला में प्रयोग करने वाले प्रयोगशाली आत्माओं को सदा हिम्मत द्वारा बाप के मदद का प्रत्यक्ष अनुभव करने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद, प्यार और नमस्ते। हम ऐसे रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते और दिल से शुक्रिया। दादियों से मुलाकात। आप निमित आत्माएं किस प्रयोगशाला में रहते हो? सारा दिन कौन सी प्रयोगशाला चलती है? नई नई इन्वेंशन करते रहते हो ना, नए नए अनुभव करते जाते हो और नई नई विधि भी टचिंग होती रहती है, क्योंकि जो निमित हैं उनको विशेष नई नई बातें टच होने का विशेष वरदान है। थोड़ा समय भी बीतेगा तो विचार चलते हैं ना, टचिंग आती है ना कि अभी ये हो, अभी ये हो, अभी ये होना चाहिए। तो निमित आत्माओं को विशेष उमंग उत्साह बढ़ाने के व परिवर्तन शक्ति को बढ़ाने के प्लान की जरूरत है। इसके बिना रह नहीं सकते हैं। बुद्धि चलती है ना, देख देख आश्चर्यवत नहीं होते, लेकिन उमंग उत्साह में आगे बढ़ाने के लिए प्लानिंग बुद्धि बनते हैं। माया संगठन को हिलाने के नए नए प्लान बनाती है, नई नई बातें सुनती हो ना, और आप लोग सभी को हिम्मत उमंग में लाने के प्लान बनाते हो। कभी आश्चर्य लगता है? नहीं लगता है ना। माया भी पुरानी विधि से थोड़े ही अपना बनाएगी, वह भी तो नवीनता लाएगी ना। अच्छा, वरदान। शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा सेकंड में स्वीट होम की यात्रा करने वाले मास्टर सर्वशक्तिवान भव। स्पष्टीकरण। साइंस वाले फास्ट गति के यंत्र निकालने का प्रयत्न करते हैं,
उसके लिए कितना खर्चा करते हैं, कितना समय और एनर्जी लगाते हैं, लेकिन आपके पास इतनी तीव्र गति का यंत्र है जो बिना खर्च के सोचा और पहुंचा। आपको शुभ संकल्प का यंत्र मिला है, दिव्य बुद्धि मिली है। इस शुद्ध मन और दिव्य बुद्धि के विमान द्वारा जब चाहें तब चले जाओ और जब चाहें तब लौट आओ। मास्टर सर्वशक्तिवान को कोई रोक नहीं सकता। स्लोगन, दिल सदा सच्ची हो तो दिलाराम बाप की आशीर्वाद मिलती रहेगी। ओम शांति।